नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। शहर की सरकार के लिए चुनावी नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में हुए निकाय चुनाव का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। तीनों निगमों में सबसे ज्यादा चर्चा अंबाला की रही। अंबाला को नंबर वन शहर बनाने की बात कहकर चुनावी मैदान में उतरी हरियाणा जन चेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस को हराकर बंपर जीत दर्ज की है। शक्ति रानी शर्मा की जीत कितनी विशाल रही, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उन्होंने काउंटिंग के सभी 15 राउंड में अपने प्रतिद्वंदियों से लगातार बढ़त बनाए रखी। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला के मेयर पद पर अपनी जीत दर्ज कर ली है। 8,084 वोटों से जीत दर्ज की गई है। अगर इस जीत के पीछे वजह और मुद्दों को देखा जाए तो लगातार पार्टी की तरफ से तमाम वो मुद्दे उठाए गए जो अंबाला की जरूरत थी, अंबाला की जनता की जरूरतें थी। अंबाला नगर निगम चुनाव में बम्पर जीत हासिल करने वाली शक्ति रानी शर्मा वोटों की गिनती के किसी भी राउंड में पीछे नहीं हुई। पहली राउंड से अजय बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए शक्ति रानी शर्मा ने 8,084 वोटों से जीत हासिल की। नई अंबाला का खाका भी तैयार किया जाएगा, नई अंबाला के विकास का खाका तैयार किया जाएगा। किस तरह से तैयार किया जाएगा? उस तो सारा जब समिति बनेगी उसमें विचार विमर्श करेंगे, बैठ के सब लोग बुद्धिजीवी सारे इकट्ठे बैठेंगे और सबका मंथन करेंगे कि हमने कैसे आगे जाना है। आखिरी और अहम सवाल मैडम, जो IMT की बात आई थी, बेरोजगार युवाओं की बात आई थी, चुनाव प्रचार के दौरान लगातार हमने देखा था किस तरह से जो लोग है, छोटे बच्चों की चाहे बात करें, समस्याओं से काफी त्रस्त थे, ग्रस्त थे, और उसके बाद अब पूरा मैंडेट दिया है, यानी जो कहा था वो करके भी दिखाया। लोगों में अच्छा खासा रोष भी था उस वक्त जब आपसे मिलते थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज अब सामने आई है पूरी तरह से समर्थन देकर। तो क्या कहिएगा, किस तरह से विश्वास को बरकरार रखा जाएगा? रोष नहीं था, वो उनका दुख था, वो उनकी आंखों का दर्द था जो उन्होंने जताया है, और उन्होंने पूर्ण विश्वास दिया है मुझ पे कि आप हमें फिर से इन दिक्कतों से बाहर निकालिए। पहले राउंड से आखिरी राउंड तक कैसे बढ़ रही थी शक्ति रानी शर्मा की शक्ति देखिए। पहले ही राउंड में शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बनाई, दूसरे राउंड में 986 वोट की बढ़त हुई, तीसरे राउंड में ये बढ़त बढ़कर 1,445 हो गई, पांचवे राउंड में 2,274 वोटों की बढ़त बना ली थी, छठे राउंड में 2,640 मतों की बढ़त हुई, सातवें राउंड तक 17,324 वोट शक्ति रानी शर्मा के खाते में आ चुके थे, आठवें राउंड में 3,599 की बड़ी लीड थी, नौवे राउंड के बाद ये लीड बढ़कर 5,269 वोटों की हो गई, दसवें राउंड में 5,603 वोटों से आगे चल रही थी, ग्यारहवें राउंड में ये आंकड़ा 6,229 वोट हो चुका था, तेरहवें राउंड में 7,414 वोटों की अजय बढ़त हुई, और आखिरी राउंड होते होते जब जीत का ऐलान हुआ तो शक्ति रानी शर्मा 8,084 वोटों से विजयी घोषित हुई। खुशी की बात है, आप सबको मुबारक। हरियाणा जन चेतना पार्टी ने एक बहुत अच्छी जीत हासिल की है, हमने वायदे किए उनको पूरा करेंगे। बालाजी माइक नीचे। IMT को लेकर किस तरीके के जो है वो? IMT में मेरा संघर्ष है, कॉर्पोरेशन से तो संबंध नहीं है जी, और मैं पर्सनल तौर पे IMT के लिए हमेशा संघर्ष करता रहा हूँ, करेंगे। IMT लेके आने की जीत नहीं आएगी हर, मेरे ख्याल में तो हर मेंबर जो जीत के आया है अंबाला की बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए काम करेगा। शर्मा जी, बीजेपी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के प्रचार को शक्ति रानी शर्मा के धुआंधार प्रचार ने हरा दिया। चुनावी नतीजों से साफ है कि अंबाला की जनता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के वादे और हरियाणा जनचेतना पार्टी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की मेहनत पर ज्यादा भरोसा जताया। तरह से अब मेयर पद पर दावेदारी पूरी तरह से पक्की हो चुकी है शक्ति रानी शर्मा की, और जिस तरह से पार्टी चीफ विनोद शर्मा की तरफ से कहा गया है कि ईमानदारी के साथ में शहर की सरकार चलाएंगे, और इसके साथ साथ में जिस तरह से तमाम जो पार्टियां विरोधी पार्टी उनको एक करारी शिकस्त अंबाला के मेयर पद के उम्मीदवारी पर देखने को मिली है। अंबाला से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वहीं अंबाला नगर निगम के 20 वार्ड में हरियाणा जन चेतना पार्टी 7 वार्ड में जीतने में कामयाब रही। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि अंबाला के 20 वार्ड में किसने चुनाव जीता है।
हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के जसबीर सिंह बार्ड एक से विजयी रहे हैं। वहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी वी के फकीर चंद विक्रम ने बार्ड दो से जीत दर्ज की है और बार्ड तीन में बीजेपी के मनीष आनंद जीते हैं। अंबाला का रिजल्ट आपको बता रहे हैं, बीजेपी के मनीष आनंद ने बार्ड तीन से जीत दर्ज की है। बार्ड चार से एचडीएफ के टोनी चौधरी जीते हैं। वहीं बार्ड पांच से कांग्रेस के राजेश मेहता जीते हैं। बार्ड छह से बीजेपी की अर्चना छिब्बर ने जीत दर्ज की है। वहीं बार्ड सात में बीजेपी की मोनिका मल जीती है। वार्ड आठ में भी बीजेपी की मीना ढींगरा ने जीत दर्ज की है। बीजेपी की मेधा गोयल ने वार्ड नौ से जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड दस से कांग्रेस के मिथुन वर्मा विजयी रहे हैं। तो वहीं वार्ड ग्यारह से एचजेपी वी की राजेंद्र कौर ने जीत दर्ज की है। वार्ड बारह में भी हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की अमनदीप कौर जीती हैं और वार्ड 13 में बीजेपी के यतिन बंसल ने जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड 14 की अगर बात करें तो एचडीएफ की रूबी सौदा ने यहां पर जीत दर्ज की है और बीजेपी की शोभा पूनिया ने वार्ड 15 से जीत दर्ज की है अंबाला में। वार्ड 16 में भी बीजेपी के हितेश जैन जीते हैं और वहीं वार्ड 17 में भी हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की राणो देवी ने यहां पर जीत दर्ज की है। वार्ड 18 में हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के सरदूल सिंह जीते हैं और वार्ड 19 में भी हरियाणा जन चेतना पार्टी वी के राकेश कुमार ने जीत दर्ज की है। वहीं वार्ड 20 में बीजेपी की प्रीति सूद जीती हैं। वहीं अंबाला में मेयर पद पर शक्ति रानी शर्मा की शानदार जीत के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला की जनता का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा जन चेतना पार्टी वी की प्राथमिकता अंबाला शहर के विकास की होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अंबाला में आईएमटी को लेकर कोशिशें और तेज की जाएंगी ताकि अंबाला के युवाओं को रोजगार मिले। शक्ति रानी शर्मा अंबाला की मेयर बन चुकी हैं, जीत चुकी हैं और हमारे साथ में विनोद शर्मा जी, उनसे बात कर लेते। सर, इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? लोगों को, जिस तरह से धन्यवाद जी, धन्यवाद। जिस तरह से चुनाव कैंपेन चला लगातार और काफी देरी से भी लगातार प्रचार हुआ था, तो किस तरह से आपके मुद्दे क्या रहे और इस जीत को लेकर क्या कहेंगे सर? इसको मुद्दे तो हमने अपना मैनिफेस्टो निकाला था, वही मुद्दे हैं। और जीत जो है वो लोगों की जीत है अंबाला के, और हमें खुशी है लोगों ने सही उम्मीदवार को चुना है। अमूमन देखा जाता है सर, जिस तरह से आपने जिक्र किया आईएमटी का, रोजगार की बात की आपने, और इस तरह के जो मुद्दे रहते हैं वो बड़े चुनावों में देखे जाते हैं, लेकिन इस निगम चुनाव में जिस तरह से क्या कनेक्ट कर समझते हैं कि ये चुनाव छोटा है? 1,87,000 वोट है, कैसे समझते हैं कि चुनाव छोटा है? बड़ा चुनाव है जी, पूरे अंबाले की कंस्टिट्यूएंसी की वोटिंग हुई है। तो ये भ्रष्टाचार पर चोट माने इसको ईमानदारी की सरकार? देखो, हम अपने लिए कह सकते हैं कि ईमानदारी से काम करेंगे, जब कोई ईमानदारी से काम करता है तो भ्रष्टाचार खत्म होता ही है। जी, तो ये थे हमारे साथ में विनोद शर्मा जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि भ्रष्टाचार पर ईमानदारी की चोट है और लगातार वो ईमानदारी से काम करते रहेंगे। अंबाला से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और वहीं अंबाला में शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद जश्न का माहौल देखने लायक था। कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जोश को देखकर ही पता लग रहा था कि अंबाला के लिए इस जीत के क्या मायने हैं और अंबाला वासी इस बदलाव से कितने खुश हैं। अंबाला की नई मेयर शक्ति रानी शर्मा के रोड शो का नजारा देखने लायक था। ये रोड शो अंबाला के सेक्टर 9 से शुरू होकर मॉडल टाउन पर खत्म हुआ। अंबाला को मिली शक्ति, शक्ति रानी शर्मा ने किया अंबाला वालों का अभिनंदन। रोड शो में दिखा रौबदार नजारा, जश्न बदलाव की बोलती तस्वीरें। जी हाँ, नारेबाजी का शोर और खुशी का वो ठिकाना जिसका इंतजार अंबाला वासियों को शायद कई बरस से था। नगर निगम चुनाव में शक्ति रानी शर्मा की जीत की खबर जैसे ही अंबाला वालों को मिली तो ऐसा लगा मानो लोगों का मन ही जीत गया। धन्यवाद भी कहीं ना कहीं करती दिखाई दे रही है शक्ति रानी शर्मा, क्योंकि अंबाला के लोगों ने जिस तरह से प्यार दिया, समर्थन दिया, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला कि पार्टी ने जीत हासिल की है। और विनोद शर्मा भी लगातार एक रिकॉर्ड रख रहे थे कि उन्होंने दो बार
भारतीय जनता पार्टी की जी को जो है जमानत जब्त करवाई थी, इस बार वो रिकॉर्ड कायम रहना चाहिए। तो वही प्यार लोगों का, वही समर्थन देखने को मिला है। अब जो पार्टी है वो अपनी जमानत नहीं बचा पाई है हरियाणा जनचेतना पार्टी के सामने। तो जो मुद्दे पार्टी की तरफ से दिए गए थे वो लोगों को, लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं समर्थन दिखाई दे रहा है। वहीं निगम चुनाव में बीजेपी पंचकुला का गढ़ बचाने में कामयाब रही। पंचकुला निगम चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार कुलभूषण गोयल ने कांग्रेस के प्रत्याशी उपिंदर आहलूवालिया को मात दी है। पंचकुला निगम चुनाव में बीजेपी के कुलभूषण गोयल ने पार्टी के फैसले को सही साबित करते हुए बड़ी जीत हासिल की। विधानसभा स्पीकर और बीजेपी के दिग्गज नेता ज्ञानचंद गुप्ता के गढ़ में कमल खिलने से कोई विपक्षी नहीं रोक पाए। बीजेपी के कुलभूषण गोयल ने कांग्रेस उम्मीदवार उपेंद्र आहलूवालिया को 2060 वोट से हरा दिया। जनता हमेशा सर्वोप्रिय होती है और पार्टी का आशीर्वाद और पार्टी के सारे लोग जब साथ लगते हैं तब जाके जीत मिलती है। तकड़ा मुकाबला था, 2000 का मार्जिन रहा है, ज्यादा मार्जिन भी नहीं रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको? देखो, जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम उम्मीद है कि उनकी उम्मीदों पर खड़े होंगे। पंचकुला में बीजेपी की जीत को लेकर कैप्टन अभिमन्यु भी बेहद उत्साहित दिखे। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि ये जीत पंचकुला वासियों की जीत है और सुशासन के साथ विकास ही हमारा मुद्दा रहेगा। किसानों का मुद्दा यहाँ देखने को नहीं मिला, विपक्षी नकारात्मक राजनीति खारिज कर दी गई। पंचकुला में कुलभूषण गोयल की जीत से ऐसा लगता है कि मानो पंचकुला वासी मनोहर सरकार के कामकाज से खुश हैं और शहर की सरकार के तौर पर भी अब उन्हें बीजेपी से ही उम्मीदें हैं। यही वजह है कि नगर निगम चुनाव में कमल पर मुहर लगाई गई है। पंचकुला से मृणाल लाला, इंडिया न्यूज, हरियाणा। वहीं पंचकुला में बीजेपी को जीत मिली तो वहीं सोनीपत नगर निगम के चुनाव में बाजी कांग्रेस के हाथ लगी है। कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा को हराकर मेयर पद के लिए अपनी जगह बनाई। जीत का जश्न देखकर ही आप कांग्रेस की खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। सोनीपत नगर निगम में कांग्रेस के निखिल मदान ने बड़ी जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। निखिल मदान ने 13,818 वोटों से जीत हासिल की। साथ ही निखिल मदान ने सोनीपत का पहला मेयर बनकर इतिहास रच दिया। सोनीपत वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सोनीपत वासियों ने जितना आशीर्वाद दिया और प्रदेश के अंदर भी, ये जो प्रदेश में लगभग आप देखें तो भाजपा के खिलाफ लोगों ने एक संदेश दिया है। प्रदेश यानी कि हरियाणा प्रदेश के जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहर हैं, उन्होंने लगभग एक दो जगह को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम जो किया है, मैं सारे हरियाणा प्रदेशवासियों का और सोनीपत वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना था। दूसरा, मैं सोनीपत की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि जनता ने जो आज आशीर्वाद दिया है और मेरे को पूरा विश्वास था कि सोनीपत की जनता पूरा मुझे आशीर्वाद देगी। इतना प्यार दिया सोनीपत की जनता ने, क्योंकि आज जो बीजेपी के खिलाफ माहौल था, सरकार ने अपने सारी ताकतें सरकार ने अपनाई इस चुनाव के अंदर, कोई सरकार ने भी तरह से कमी नहीं छोड़ी। पर फिर भी मैं लास्ट तक एक बात कहता था कि सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और सोनीपत की जनता के आशीर्वाद से ही मैं सोनीपत के विकास कार्य भी चालू कराऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है, जो भी हमारे सफाई के मुद्दे, सड़क के मुद्दे, स्ट्रीट लाइट, फिर सड़क हो गई हमारी, सीवरेज का मुद्दा हो गया, सबसे बड़ा मल्टी लेवल कार पार्किंग हो गया, सीसीटीवी कैमराज हो गए, जितने भी हमारे स्थानीय मुद्दे हैं इनके ऊपर हम बिल्कुल तुरंत प्रभाव से काम भी स्टार्ट करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भाई जल्दी से विकास कार्य स्टार्ट। सबसे पहले कौन सा काम करोगे सोनीपत में जो आपने सोचा? मेयर आप बने हो और सबसे पहले मेयर पद आपको मिला है सोनीपत का, सबसे आज सोनीपत जनता आपको, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से? शुरुआत जहाँ पर सीवेज का काम सबसे ज़्यादा खराब है, सबसे पहले हम सीवेज के मुद्दों को स्टार्ट करेंगे। पीने के पानी की लाइन है, पानी का मुद्दा जितना भी हमारे शहर के अंदर है, सबसे पहले दो काम ऐसे हैं जो मैं समझता हूँ तुरंत चालू करवाने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस उम्मीदवार निखिल मदान ने 17वें राउंड की गिनती के बाद निर्णायक बढ़त हासिल की। वहीं बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा काफी पीछे चले गए। हालांकि बीजेपी प्रत्याशी ललित बत्रा शुरू से ही पिछड़ रहे थे, हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी निखिल मदान ने जीत हासिल करने तक बढ़त बनाए रखी। मेयर पद के लिए मतों की गणना के 18 राउंड हुए,
जबकि पार्षद पदों के लिए अलग अलग वार्ड के तहत मतगणना के राउंड की संख्या अलग अलग हुई। वहीं पार्षद चुनाव में 20 में से बीजेपी के 10 पार्षद बने, जबकि 9 पर कांग्रेस का कब्जा रहा और सिर्फ एक पार्षद निर्दलीय चुना गया। जाहिर है बीजेपी के लिए यह हार जले पर नमक जैसी है, क्योंकि कुछ वक्त पहले हुए बड़ौदा उपचुनाव में भी बीजेपी को मात मिली थी, जबकि कांग्रेस ने नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में एक बार फिर शानदार प्रदर्शन किया था। और अब और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।